यूनाइटेड बैंक में डकैती की सूचना मिली है। रेलवे स्टेशन के पास बैंक ब्रांच में डकैती हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की सूचना मिली है। रेलवे स्टेशन के पास बैंक ब्रांच में डकैती हुई है। तो रेलवे स्टेशन के पास ब्रांच है और उसमें डकैती हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की सूचना मिल रही है। घटनास्थल पर एसएसपी पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास एक बैंक है जिसका ब्रांच है, उसमें डकैती हुई है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की सूचना मिली है। घटनास्थल पर एसएसपी पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास ब्रांच है और उसमें डकैती हुई है। मौके पर एसएसपी गरिमा मलिक पहुंची है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगोबार। मरगोबा स्टेशन के पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डकैती हुई है, फिलहाल कितने की लूट हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है, कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्राथमिक जानकारी स्टेशन के पास है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है स्टेशन के पास, वहाँ डकैती की सूचना को पुलिस पहुंची थी और अभी जो सूचना आई है कि डकैत अंदर में है। एक बार सीसीएसपी एसएसपी के साथ तो अधिकारी है, वो रिवॉल्वर लेकर के अंदर घुसे हैं और भारी ट्रैफिक जाम हो गया है और अफरा तफरी के बीच अभी पहुंचना मुश्किल है। कितने की लूट हुई है, लूट हो पाई या नहीं हो पाई या डकैत है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी अधिकारी मौके पर बैठते हैं। चार डीएसपी पहुंचे हैं, छह थानों की पुलिस पहुंची है और भारी लोगों की भीड़ लगी हुई है और फिलहाल देख का पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। सभी स्थिति अंदर क्या है, डकैत है या नहीं है या वहां से वो भाग खड़े हुए हैं या डकैती हो पाई है नहीं पाई है, लेकिन सूचना बिल्कुल सटीक है और सूचना के आधार पर पुलिस पहुंच गई है। फिलहाल देखना होगा कि थोड़ी देर में अपडेट आ पाएगा, लेकिन बीच बाजार स्टेशन के नजदीक निश्चित तौर पर किस तरीके की घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा थोड़ी देर में क्या अपडेट आ पाता है, लेकिन अपना तो कोई और पूरे इलाके में जाम की हालत बनी हुई है जी। मरगू फिलहाल वहां पर एसएसपी पहुंची है और तमाम लोगों से क्या बातचीत आपकी हो पाई है कि डकैत कब आए थे या डकैती हुई है या नहीं, ये क्या आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हैं? देखिए ये कहना है बहुत मुश्किल है, कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। सूचना पुलिस के पते थी, सूचना के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल उसी कार्रवाई के बाद फिलहाल हालात जो है उस हालात के साथ पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है। फिलहाल एसएसपी के साथ सभी बड़े अधिकारी मौके पर है और फिलहाल पूरे सूचना को एकत्र किया जा रहा है। अंदर में अधिकारी से बातचीत की जा रही है, लेकिन सवाल है कि वो डकैती हुई या नहीं हुई, डकैत है अंदर में नहीं है, यह कहा पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद ही कंफर्म हो पाएगा जी। मरगो जिस प्रकार से ये स्टेशन के पास ये ब्रांच है बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और यहाँ पे अगर डकैती होती है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये भीड़भाड़ वाला इलाका है, पॉश इलाका है और ऐसे जगह पे अगर बैंक है और वहां लूट होती है तो कह सकते हैं पुलिस के जो कार्यशैली उस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। ये एक चीज समझने की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि घटना में वो डकैती हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन होने की सूचना पुलिस पहुंची थी और अभी भी सूचना है कि अंदर में कहीं पर डकैत छुपे हुए हैं। एसएसपी गरिमा मलिक के साथ सीसीएसपी सभी पहुंचे हैं, सभी लोग हथियार से लाए हैं अंदर में। फिलहाल अब सर्च किया जा रहा है, यह कहना बहुत मुश्किल है कि डकैती हो पाई नहीं हो पाई, लेकिन डकैत घुसने की सूचना की पुष्टि हो गई है। फिलहाल थोड़ी देर में पूरा मामला आ जाएगा, लेकिन इलाके में बहुत काफी है जी, ट्रैफिक जाम हो गया है और लोगों में बहुत ही कौतूहल है, लोग जानना चाह रहे हैं हुआ क्या, लेकिन अभी छह थानों के पुलिस के साथ चार डीएसपी और फिलहाल सीसीपी के साथ एसएसपी पहुंचे हैं और फिलहाल मौके वारदात पर फिलहाल हालात को देखा जा रहा है और अंदर से जब वो लोग निकल पाएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या हालात है, किस तरीके के हालात थे, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ या नहीं हो पाया, या वो घुसे थे जिस मकसद से उसमें वो कामयाब हुए या नहीं हुए, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप में अफरा तफरी और बहुत कौतूहल के बीच से फिलहाल सभी बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं जी। जी मरगूब, ये कह पाना जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि काफी मुश्किल है कि डकैती हुई है या नहीं या अंदर अभी डकैत हैं या नहीं है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटनास्थल पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, एसएसपी खुद वहां पहुंची हैं। तो क्या लगता है कब तक ये साफ हो पाएगा कि जो क्या सूचना आपको खबरें कब तक मिल पाएंगी कि वहां क्या कुछ घटित हुई है? अधिकारी अंदर में है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, कई तरह के इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर में है, कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग अंदर में नहीं है। तो जब तक अधिकारी तब तक कुछ पुष्टि नहीं हो पाएगी या कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पटना में बहुत दिनों के बाद इस तरह अफरा तफरी का माहौल हुआ है कि 15 मिनट के अंदर में आठ छह थाना प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल, सीसीएसपी, एसएसपी, एएसपी सभी लोग घटनास्थल पर पहुंच गया अंदर में है। फिलहाल पूरे मामले में चोरी किया जा रहा है, पूरे मामले को देखा जा रहा है कि किस तरीके के हालात हैं, क्या हुआ, हो पाया या नहीं हो पाया, वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन बहुत ही अफरा तफरी और फिलहाल थोड़ी देर में निश्चित तौर पर साहब अपने दर्शकों को आला दे पाएंगे, लेकिन जो हालात है वो हालात बहुत ही अफरा तफरी वाले हैं।
फिलहाल कसूर है, पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी मेरे को फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की, जहां पर काफी अफरा-तफरी स्थिति है, मौके पर एसएसपी पहुंची है और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर बैंक के अंदर डकैत घुसे थे, डकैती कर पाए या नहीं कर पाए, इसको कह पाना फिलहाल मुश्किल है। हमारे सहयोगी मरगूब आलम भी जुड़े थे, उन्होंने भी यही बताया कि अभी फिलहाल कुछ भी कह नहीं सकते क्योंकि अभी अधिकारी अंदर हैं, जांच चल रही है, देखना होगा कि डकैत अंदर हैं, अगर डकैत अंदर हैं तो क्या उनकी उनको पकड़ा जा सका है या फिर वो फरार हो गए हैं, ये कुछ ही देर में साफ हो पाएगा, हम आपको अपडेट कुछ ही देर में कर पाएंगे। फिलहाल काफी अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है स्टेशन के पास जो ये ब्रांच है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वहां, और महज 15 मिनट के अंदर ही ये स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार लोग वहां एकत्रित हो गए हैं। लोगों में अफरा-तफरी है कि आखिर डकैत जो अंदर घुसे थे बैंक में, उन्होंने क्या लूटपाट कर पाए हैं या वो डकैत बैंक के अंदर ही मौजूद हैं, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर में ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर लूट हुई है तो कितने की लूट हुई, अगर लूट नहीं हुई, डकैत अगर अंदर है तो डकैत पकड़ेगा या नहीं, ये थोड़ी ही देर में तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल एसएसपी गरिमा मलिक मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास ये ब्रांच है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डकैतों की घुसने की पुष्टि हुई है। फिलहाल जानने वाली बात होगी, थोड़ी देर में ये पुष्टि कर पाएंगे कि क्या डकैती हुई है या नहीं, या कितने की लूट हुई है, क्या कुछ जानकारी। फिलहाल अभी अपडेट कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी ही देर में तस्वीरें साफ हो पाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि एसएसपी सहित तमाम जो पुलिस बल हैं वो वहां मौजूद हैं और छानबीन की जा रही है। यूनाइटेड बैंक के अंदर एसएसपी जा चुकी हैं और देखना होगा कुछ ही देर में क्या कुछ तस्वीरें साफ होकर निकल पाती हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना के रेलवे स्टेशन के पास की, जहां पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है और उसमें डकैतों की घुसने की पुष्टि है। फिलहाल कितने की लूट हुई है, क्या कुछ डकैत भाग चुके हैं या डकैत वहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।